गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज कौशलेंद्र सिंह। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कौशलेंद्र सिंह एजुकेशनल एरा में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आभार। आज का टॉपिक जो है खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और ये कम समय में मैंने इसको बताने का काम किया है। सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मैंने देखा है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है, खासकर आईक्यू लेवल से रिलेटेड और टाइप्स ऑफ मटेरियल से रिलेटेड और उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड। और तो सबसे पहले हमें ये देखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई ऐसा बच्चा जिसका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर, तो उसका बुद्धि कैसा होगा? तो वो जीनियस होगा। जैसा पहले यहाँ पर है कि यदि कोई ऐसा बच्चा जिसका आईक्यू जो है 140 से ऊपर है तो वो क्या होगा? वो जीनियस। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे, नहीं इससे मिलता जुलता जरूर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। दूसरा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका आईक्यू लेवल 120 से लेकर 140 के बीच में, तो उसका जो बुद्धि होगा वो कैसा होगा? अतिश्रेष्ठ होगा, अर्थात सुपीरियर होगा, जो ये सब। उसके बाद अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा छात्र जिसका जो है आईक्यू लेवल 110 से लेकर 120 के बीच में, तो क्या होगा? सुपीरियर होगा, अर्थात श्रेष्ठ होगा। उसके अलावा एक और भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया, पिछली बार मैंने सीटेट में भी देखा है, कि अगर ऐसा स्टूडेंट जिसका आईक्यू लेवल है वो 90 से लेकर 110 के बीच में, तो अगर 90 से लेकर 110 के बीच में है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा? सामान्य औसत होगा, ये ध्यान रखना। उसके अलावा अगर कोई ऐसा बच्चा, ये भी पूछा गया है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका आईक्यू लेवल 80 से 90 के बीच में, तो क्या होगा? सामान्य से कम, अर्थात बिलो एवरेज होगा। उसके अलावा उसका जो बुद्धि होगा वो मंद बुद्धि का होगा, फीबल माइंडेड। उसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका आईक्यू लेवल 70 से 80 के बीच में है, देखिए यहां से लेकर यहां तक एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखें। तो अगर कोई अच्छा ऐसा स्टूडेंट जिसका आईक्यू लेवल 70 से 80 के बीच में है तो वो कैसा होगा? निर्बल बुद्धि का होगा, अर्थात बॉर्डर लाइन फीबल माइंडेड होगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगर ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका जो आईक्यू लेवल है 50 से 70 के बीच, 50-70 के बीच में है, तो क्या होगा? वो मूर्ख बुद्धि का होगा, कैसा होगा? मूर्ख होगा। ये आपको यहां से लेकर यहां तक थोड़ा तैयार करने की जरूरत है, इसमें से जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, ऐसा कोई छात्र जिसका आईक्यू लेवल 25 से 50 के बीच में है, तो वो क्या होगा? मूर्ख बुद्धि का होगा, अर्थात वो एम्बिशियस होगा। उसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, छात्र या बच्चा जिसका आईक्यू लेवल 0 से 25 के बीच है, तो वो क्या होगा? जड़ बुद्धि का होगा, अर्थात वो इडियट होगा, ये ध्यान रखें। तो यहां से लेकर यहां तक जरूर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है, जो मैंने बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी यहां से रिलेटेड पूछा जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने? तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण बिने ने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया है, ये आपको जरूर याद रखना होगा, ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते, ये चीज क्लियर करने के लिए एक और मानसिक आयु, इसमें कहा गया मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? यहां पर आपके सामने लिखा बिने और साइमन। तो ये मानसिक आयु से रिलेटेड है, बिने से रिलेटेड है, तो कैसे याद करेंगे? बी मा, बी मा, अर्थात मानसिक आयु किसने दिया है? बिने ने दिया है, ऐसे याद, टेक्निक से याद करना, तो आपको जरूर भूलेंगे नहीं, आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। उसके अलावा ये पूछा जाए बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे, तो इसमें भी आपका बिल्कुल स्पष्ट है स्टर्न होते हैं। बुद्धि लब्धि जो आईक्यू जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? वो दिया ईस्टर्न ने दिया है। इसमें कंफ्यूजन रहता है, कभी कोई कहता है टर्मन है, कोई कहता है ईस्टर्न है, कोई कहता है बिने, नहीं बिल्कुल स्पष्ट है, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? ईस्टर्न है, ये लिखा रहेगा अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक तो कौन होंगे? ईस्टर्न। लास्ट में जो दिया हुआ है बुद्धि लब्धि मापन, अर्थात जो आईक्यू का जो मेजरमेंट है वो किसने दिया है? वह दिया है यह जन्मदाता, किसने, कौन है? टर्मन है। ये इन दोनों में जरूर एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसको थोड़ा आपको देखने की जरूरत है,
अगर आप देखेंगे तो जरूर आपको एक क्वेश्चन खासकर आईक्यू और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस से जरूर आपको एक मिलेगा। उसके अलावा एक यहां से भी कभी कभी पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, चार आसन दिए हुए, बहुत से कुछ मतलब एग्जाम मैंने देखा है। तो आईक्यू स्क्वायर क्या होता है, एम ए अपॉन सी ए इनटू 100, अर्थात बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक कार्य बटे वास्तविक कार्य गुणे 100। ये जरूर एक क्वेश्चन, इतने में से आपको जरूर सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से एक क्वेश्चन जरूर मिलने की संभावना है। अगर इसको थोड़ा भी दो तीन बार आप रिप्ले करके देखेंगे तो जरूर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आपको एक से दो नंबर मिलने की संभावना रहेगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर मुझे दें जिससे मैं और अच्छे से अच्छे आपको वीडियोस देता रहूं। तो एजुकेशन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।